प्राइम मेथड से करना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बेटा क्या दे रखा है, 6/4 + 3/5, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, देखो 6 वाले पार्ट को हमने जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दिया है, अगर ऐसे लिख रखा है x/y, तो इसमें x को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और ये y क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक ना। x को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। जो बीच वाला लाइन होना है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग लाइन। ये क्या होता है, डिवाइडिंग लाइन, ठीक है। बीच वाला जो लाइन दे रखा है, इस लाइन को क्या बोला जाएगा, डिवाइडिंग लाइन। ये x दे रखा है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और ये y दे रखा है, इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। देखो इसको बेसिक मेथड क्या होता है ऐड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, तो 4 और 5 क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम यहां पर ऑप्शन निकालोगे, एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, ये 2 से डिवाइड करो, 2 * 4 5 नहीं डिवाइड होगा, 2 से 2 * 2 5, ये 5 से डिवाइड करो, 1 1 आ गया, और इसका एलसीएम कितना होगा, 2 × 2 × 5, 2 × 4 = 20, कितना आ गया एलसीएम, 20 आ गया। जब ये 20 आ गया ना, इस एलसीएम को यहां पर लिख देंगे 20। अब देखो क्या होता है कि 4 से जब डिवाइड करेंगे 20 को, तो 4 बटे वाला 20 कितने पे आता है, 5 पे आता है, 4 × 5 = 20। जब यहां पर डिवाइड करने पर 5 आया था ना, इस 5 को क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 का कितना होगा, 30, 5 6 का कितना होगा, 30। मतलब क्वेश्चन में क्या करना है, 4 और 5 का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम जितना आया ना उसको यहां पे लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लिखने के बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, एलसीएम से डिवाइड करना है, तो जितना आंसर आएगा ना उतना से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आया था, ये डिवाइड करने का कितना आया था, 5 आया था, और 5 को मल्टीप्लाई करके कितना है, 6 में, कितना हो गया, 30 हो गया। प्लस साइन दिया तो प्लस साइन दे दो, ये देखो यहां पे 5 के टेबल में 20 कितना आता है, 5 के टेबल में 20 कितना आता है, 4 पे आता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 4 3 कितना आएगा, 12। अब देखो इन पार्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 30 में 12 ऐड करोगे कितना आएगा, 42 पर कितना आएगा, 20। अब इसे क्या करते हो, करते हो 2 से जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 × 4 = 2 × 2 ये 0 है, यहां पे कितना आएगा, 21/10, ये बेटा लास्ट का आंसर होगा, ठीक है। ये बेसिक मेथड होगा आपको बनाने के लिए, लेकिन जब बटरफ्लाई मेथड से बनाओगे ट्रिकली में बताओगे, एक लाइन क्वेश्चन निकाल दोगे, एक ऐसे कर लेना, देखो यहां बटरफ्लाई मेथड बना दिए, बेसिक मेथड होगा, इससे नोट कर लेना, बटरफ्लाई वाले कांसेप्ट को यहां बता देना, देखो ये आपका क्या है, बटरफ्लाई वाले क्वेश्चन में से तरह का है, 6/4 और +3/5, इसे शॉर्ट में कैसे बनाओगे, क्या करना था, यहां पे एलसीएम निकालना था, डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करना था, तब आंसर आया ना, ये आपका लास्ट आंसर है 21/10। अब देखो ये उतना ही ऐसा यहाँ गया है, तो वट आवर कैसे कैसे करते हो, उसको पहले क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, ये कितना था, 4 3 हो गया ना, क्रॉस वगैरह कितना होता है, 4 3 = 12, यहाँ पे कितना 12। अब साइन क्या, क्रॉस का है ना, तो क्रॉस कर दो। अब देखो इस वाले पार में क्या करना है, इस क्रॉस को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ये वाला जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा, ये क्या था, 4 3 = 12, यहाँ पे लिख दिए, ये प्लस था प्लस लिख दिए। अब देखो 6 5 का कितना होगा, 30, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 30। नीचे में क्या लिखो, जो एलसीएम निकाल के नीचे में यहाँ करना क्या है, इन वाले पार्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और बटरफ्लाई का सूत्र निकालने का जो क्वेश्चन दिया था ना, 6/4 + 3/5, तो क्या करेंगे, ये क्रॉस वाले मेटर क्या करेंगे, पहले इस वाले पार्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाई, 4 3 = 12 हो गया, 12, फिर प्लस साइन था तो प्लस साइन कर दिए। अब देखो ये वाले क्रॉस में दिया था, 6 5 का कितना हो जाएगा, 30। अब जो नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है, उसमें बताया कि डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 5 का कितना हो जाएगा, 20। नीचे में क्या लिख देना, 20 लिख देना, देखो ऐसे आया कि नहीं आया। अब क्या करते हैं बेटा, इसमें ऐड कर देना, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 42 को जब ऐड करोगे कितना आएगा, 42 आ गया, 30 और 12 ऐड करने से कितना आया, 42 आ गया, और नीचे कितना था, 20 था। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 2 × 2 = 0, कितना आएगा आंसर, 21/10। तो बटरफ्लाई वाला कांसेप्ट आपको समझ में आएगा, नहीं आया, क्वेश्चन में क्या करना है, क्रॉस वाले से मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐड करके लास्ट में सही आंसर ला देते हैं, ठीक ना। चलो इतना आपको समझ में आया, इसे नोट कर लेना, फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखो बटरफ्लाई कांसेप्ट में यहां पे एक क्वेश्चन बताते हैं, माइनस में, ये तो प्लस करना है ना, एक माइनस क्वेश्चन देते हैं, माइनस क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे रखा है 3/5 और -4/6, ऐसे क्वेश्चन दिया है ना, तो बटरफ्लाई कांसेप्ट कैसे बनाओगे, हां मैं बताया था आपको, ये क्या था, क्रॉस वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, इस क्रॉस को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाता है, 20। इसमें वैसे ही कुछ नहीं निकालना, बटरफ्लाई कांसेप्ट क्या है, क्रॉस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर
सिक्स वाला क्रॉस वो भी मार्क कराएंगे, कितना हो जाएगा ये सिक्स थ्री जा एटीन, ये माइनस साइन है ना, माइनस साइन दे देना, तो ये सिक्स थ्री जा कितना कर देना एटीन, और देखो नीचे क्या करना है, ये फाइव और थ्री देना इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा सिक्स फाइव जा थर्टीन, ये हो गया आपका थर्टीन। अब जब ट्वेंटी में से टू को जो माइनस करो तो कितना आ जाएगा टू, और टू का फोर कितना आ गया थर्टीन, अब देखो डिवाइड करो टू वन जा टू, टू वन जा टू और पहली जगह कितना हो जाएगा टेन, टू फाइव जा टेन, ये आंसर कितना आएगा वन ऑफ वन फिफ्टीन। तो बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट भी माइनस का समय ऐसे ही आएगा, और बेसिक मेथड से अगर बनाते हो एलसीएम निकाल कर तो अभी भी आंसर इतना ही आएगा, तो आपको थोड़ा सा ये शॉर्टली हो गया इतना शॉर्टली, ठीक है ना, ये आपको शॉर्ट गया तो इसे नोट कर लेना अच्छे से।